नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, बधाई हो, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन लिए हैं, अब होगी आपकी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, आपकी यह बात तीनों लोकों में फैल चुकी है। अगले 5 दिनों में आपकी जिंदगी में हड़कंप मचेगा। जी हाँ दोस्तों, दुख दर्द भरे जिंदगी बहुत जी लिए, अब और नहीं। अब वो कहते हैं ना, प्रार्थना अगर सच्ची हो, अच्छी हो, तो भगवान एक न एक दिन जरूर सुनते हैं। दोस्तों, अगले 5 दिनों में आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और आप चैन की नींद सोने वाले हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत बड़ा ग्रह परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो अगले 5 दिनों में आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको ज़रूरत है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे ऐसे बात बताए हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे और फिर उसके बाद आपको कार्य करने होंगे। वीडियो के बीच बीच में आपके लिए कुछ सावधानियां भी है। दोस्तों, अगले 5 दिन का समय आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, अगर आप इस शुभ अवसर में, शुभ समय में वो काम कर लेंगे जो हम आपको बताएंगे, तो आपके लिए और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। सबसे पहले सभी सच्चे शिव भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, कालों के काल जय श्री महाकाल। दोस्तों, जो भी लिखेगा जय श्री महाकाल, उनके जीवन में ना रहेंगे कोई दुख और ना कोई जंजाल। तो प्रेम से बोलिए जय श्री महाकाल। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जब वो परेशानी में होती है, दुख तकलीफ में होती है, तो उनके मन में एक सवाल जरूर आता है कि हे भगवान, इस दुनिया में सभी लोगों को छोड़कर केवल हमें ही इतना दुख तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आखिरकार हमारी परेशानियों को कम क्यों नहीं करती हैं? ये सवाल आप सभी के मन में जरूर आता है। पर याद रखना, जब आप तकलीफ और दुख परेशानी में घिरे हुए होते हैं, तो उस समय भगवान आपकी परीक्षाएं ले रही होती है। उस समय भगवान चुपचाप देख रहे होते हैं कि आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है, कितना हद तक आप बर्दाश्त कर सकती हैं। अगर आप उस परीक्षा में पास हो गए तो भगवान आपको वो सभी चीज़ें देंगे जो आप अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमा सकती। अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और अंत में राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में साथ दिखता नहीं है, मगर साथ देता भी वही है। परमात्मा का खेल बहुत ही निराला है। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं अगले 5 दिन में आपकी भगवान कौन कौन सी परेशानियां खत्म करने वाले हैं। दोस्तों, अगले 5 दिन लाभदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। मेहनत और प्रयासों से आपको अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी अहम कार्य भी संपन्न होने की संभावना नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात किया जाए तो यह 5 दिन दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने कार्यों पर ही ध्यान दें तो ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। बाहरी गतिविधियों में ज्यादा आवाजाही करने से परहेज करें। यह समय बहुत ही धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करने का समय है। थोड़ी सी आपकी लापरवाही और आलसी आपके लिए बड़ा परेशानी बन सकता है, इसलिए आपको अपने घर परिवार वालों के साथ ही समय व्यतीत करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन सावधान और थोड़ा सतर्क रहिएगा, ये आपके लिए बेहतर होंगे। अगले इन 5 दिनों में कुछ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी तथा आपसी संबंधों में भी मधुरता आएगी। समय जमकर मेहनत करने का है और सफलता भी निश्चित ही आपको मिलेगी। बच्चों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना आपके मनोबल को और बढ़ाएगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, व्यावसायिक आस्था और बेहतर बनेगी, कर्मचारियों के संबंध और समस्याओं का
हल हो सकता है। कार्यस्थल पर सभी काम अपनी निगरानी में रखकर ही करवाएं तो ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। ऑफिस के कामों को घर पर ही करने में थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको करना ही करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, अगर आप व्यावसायिक गतिविधियों में बड़ा निवेश करने की सोच विचार कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी हकीकत जरूर जान लें, पता कर लें तो अभी आपके लिए बेहतर रहेंगे। भावुकता में आकर बिना सोचे समझे दूसरों की कॉपी करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको नकल करने से आपको थोड़ा सा बचना होगा। ऑफिशियल मामलों में भी आपको अभी सावधान रहने की जरूरत है। जो आपका विरोधी है बेवजह आपको गलत कामों की ओर फंसाएगा, ऐसे लोगों से अभी आपको थोड़ा सा बचकर रहना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें, समस्याओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। ध्यान रखें कि आपकी ही कोई गलती आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी, इसलिए आपको सभी पहलुओं को जांच पड़ताल करने के बाद ही कहीं पर आपको कदम रखना है। किसी भी तरह का लेन देन करते समय आप जो है वापसी जरूर सुनिश्चित कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आप धोखा खा सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, बिजनेस में इस समय किसी अनुभवी इंसान की सलाह लेना जरूरी है, अच्छा समाधान मिलेगा। तनाव लेने से आपके काम करने के तरीकों में थोड़ा असर पड़ सकता है, इसलिए आपको तनाव मुक्त होकर कार्य करना होगा। नौकरी पेशा लोग ज्यादा स्ट्रेस ना करें, सहज और शांतिपूर्ण तरीके से दिनचर्या व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। दूसरों से अभी आपको बेवजह नहीं उलझना है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, कार्य क्षेत्र में आपका व्हाट्सअप बना रहेगा, आपके मार्गदर्शन और सहयोग से ज्यादा काम समय पर पूरे होते जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों पर काम की जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी, घर से ही सारी गतिविधियां होने से आपकी दिक्कतें थोड़ी बहुत रहेंगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय घर का वातावरण सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए परिवीक करना स्वीकार लेने के लिए समय अभी आपका बहुत ही उचित है। अगर आप किसी से जो है प्यार मोहब्बत करते हैं तो आप उन्हें घर वालों से भी मिलवा सकते हैं और शादी की बात तक जो कर सकते हैं, समय अभी उनके लिए बहुत बढ़िया है। सेहत को लेकर बात करें तो अपनी सामर्थ्य से अधिक कारभार ना लें, सिरदर्द और थकान जैसी परेशानियों से राहत पाने के लिए तनाव जैसी स्थिति से दूर रहें, मेडिटेशन अवश्य करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेंगे। दोस्तों, ये 5 दिन का समय आपके लिए कुल मिलाकर बढ़िया रहेगा, लेकिन आपको दूसरों से ज़्यादा उम्मीद और भरोसा नहीं रखना है, नहीं तो आप इन 5 दिनों में धोखा भी खा सकते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और जो कार्य करें खुद ही करें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा।